नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टीवी रियलिटी शो लॉकअप से डेब्यू करने जा रही। हमेशा अपनी बेबाकी के लिए मशहूर कंगना बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर तीखे बयान देती रही। इतना ही नहीं, कंगना तो करण जौहर को नेपोटिज्म का देवता और मूवी माफिया तक बता चुके। हालांकि सोशल मीडिया पर अब कंगना का एक बयान वायरल हो रहा, जिसमें कंगना एकता कपूर का नेपोटिज्म के मुद्दे पर बचाव करती नजर आ रही। एकता कपूर के साथ काम करने के लिए कंगना को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में कंगना रनौत ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात की और इसी बीच एकता कपूर का बचाव भी किया। कंगना ने कहा कि देखिए, बॉलीवुड में नेपोटिज्म मेरी प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। प्रॉब्लम थी नेपोटिज्म के कारण बाहर के लोगों के लिए गैंगबाजी करना। इसमें अंतर, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तसल्ली से करें, कोई परेशानी नहीं। ये आउटसाइडर्स हैं, ये यहाँ नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारे बाप दादा की जगह है। क्या ये गलत नहीं है? इसी के साथ कंगना ने एकता का बचाव करते हुए कहा, एकता कभी भी बुली गैंग का पार्ट नहीं रही और इसका मैं आश्वासन दे सकती। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि एकता कपूर के साथ काम करने पर कंगना ने अपने सुर बदल लिए। बता दें कि कंगना इस रियलिटी शो लॉकअप को होस्ट करेगी, जिसमें कई लोगों को कैद में रखा जाएगा। इस शो को एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम किया जाएगा। बात करें कंगना के वर्क फ्रंट की, तो पिछली बार वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की बायोपिक खिलाईवी में नजर आई थी। अब कंगना की दो फिल्में धाकड़ और तेजस जल्द ही रिलीज होंगी। इन फिल्मों के अलावा कंगना इमरजेंसी में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा वो मणिकर्णिका रिटर्न, द लेजेंड ऑफ दिद्दा में भी नजर आएंगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।